हाल ही में हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना और देश के अन्य भागों से भी महिलाओं और किशोरियों के साथ हैवानियत की घटनाएं सामने आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार सख्ती से पेश आ रही है। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक भी ली है और वहीं कड़े निर्देश भी दिए हैं। इसी कड़ी में ललितपुर SP MM बैग ने महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक विशेष पुलिस बल दस्ता शक्ति मोबाइल को संचालित किया, जो कभी भी किसी भी समय सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल उनकी सहायता के लिए मौके पर पहुंचेगी। जनपद ललितपुर में एक विशेष पुलिस बल दस्ता जो शक्ति मोबाइल के नाम से चल रही है, मेरे द्वारा महिलाओं बच्चियों में सुरक्षा की भावना डेवलप करने के लिए चलाई जा रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे और हमारे पुलिस बल को इस बात की आवश्यकता देखने की है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएँ सुरक्षित अपने घरों तक पहुँचें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि यदि कोई बच्ची, कोई महिला अकेली कहीं स्कूटर ख़राब हो जाए या अकेले कहीं स्टेशन से या बस स्टैंड से आ रही हो, रात्रि का समय हो और वो सुरक्षित घर जाना चाहे, तो शक्ति मोबाइल, जिसका मोबाइल नंबर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये सभी नोट कर लें, 7839870546। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, शक्ति मोबाइल का नंबर 7839870546। ये शक्ति मोबाइल का नंबर है, इस पर कॉल करें और हमारी ये टीम तत्काल उस बच्ची, उस महिला तक पहुँचेगी और उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुँचाएगी। तो इसको सभी लोग को संज्ञानित किया जाए और अगली आवश्यकता हो तो इसको शक्ति मोबाइल को कॉल करें। हम लोग सदैव अपने महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। जय हिंद।